मैं गयासुद्दीन बिन तुगलक के किले में मौजूद हूँ। ये यहाँ की जामिया मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। और मतलब यहाँ पीछे क्या है? ये मदरसा है जिसे तालीम बच्चों को दी जाती थी यहाँ, और वो इस्लाम की तालीम। जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम हिंदी तो थे ही नहीं, हिंदू तो थे ही नहीं जी, और इनकी अरबीन या जो भी पारसी है या जो हमारी कुरान शरीफ की पढ़ाई दी जाती थी इन बच्चों को। ये देखिए मदरसा है, इसका ये गेट मौजूद है और इसके अंदर देखिए चलते हैं काफ़ी कुछ। अभी इसमें टूट गया है, छतें नहीं है, बट दीवार है। इसमें लगता है कि दीवार बहुत नीची है, ये मतलब गेट बहुत नीचा है, तो ये हो ना हो छोटे बच्चे ही पढ़ते होंगे इसमें। और ये देखिए यहाँ पे ये है, ये मदरसे की ही दीवारें हैं, ये उसी का, ये छोटा सा है, ये यहाँ बच्चे कई शिफ्ट में पढ़ते होंगे। कभी ये आवाज़ रहा होगा बच्चों की, गूंज तिलकाई यहाँ गूंजती होगी। तुगलक फोर्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन किला है, बहुत ही एक, अगर इसको देखा जाए तो वाकई में एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल फोर्ट है। ये है एक, यहाँ देखिए सुरंग है, एक्चुअली ये एक बंकर था, ये इसमें जब युद्ध होता था तोपें चलती थी, तो इसमें सिपाही और उनके परिवार और मुगल परिवार जो भी थे, जो खास खास लोग इसके अंदर, महिलाएं बच्चे बूढ़े, उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए था। और ये देखिए काफ़ी मजबूत है, ऊपर से इसमें छतें अभी काफ़ी मजबूत हैं, और अंदर कमरे बने हुए हैं जो कि बहुत ठंडे रहते हैं, उसमें हवा यहाँ इस पार से उस पार क्रॉस हो जाती है। ये एक बंकर की तरह काम आते थे ये। काफ़ी डैमेज पोजिशन में अंदर है, ये देखिए इस पार से उस पार। और इनका कुछ बीच में सुरंगें भी थी जो यहाँ से ताजमहल या और किलों में अंदर से निकल जाती थी, यदि कुछ ज़्यादा छत ने आक्रमण कर दिया है तो उसके लिए इन्होंने अंदर बना रखा था अपने जो खास उनके परिवार के लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, या सैनिक ये रह सके उनके साथ में। थोड़ा सा ये यहाँ पे सोचे रहिएगा, कुछ जानवर भी अंदर हो सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी देखते रहिएगा। और क्योंकि ऊपर काफ़ी कुछ देखिए मरम्मत किया गया है, पहले ये काफ़ी डैमेज था बीच में, अभी ऊपर काफ़ी डैमेज कर लिया, इसको ठीक कर लिया है। ये हम इस पार से उस पार जा रहे हैं। काफ़ी देखिए इसके अंदर ये कमरा है, ये कमरा, इसकी छत मौजूद है, और इसमें देखिए ये सब ऐसे बंकर की तयूज़ होते थे उस ज़माने में। और देखिए दरवाजे भी लगे हुए थे इसमें ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें देखिए छेद भी हैं पत्थरों में, तो लकड़ी के दरवाजे इसमें लगे होंगे।